धार्मिक नगरी अजमेर में शौर्य उत्सव के रूप में मनाई जा रही महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को नौसर घाटी स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर देशभक्ति से ओतप्रोत हुंकार अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। कवियों ने भक्ति भाव और ओज रस से भरपूर रचनाएं प्रस्तुत कर माहौल में जोश भर दिया। लखीमपुर खीरी के आशीष अनल, अजमेर के राज बिहारी गौड़, कानपुर के डॉक्टर सुरेश अवस्थी, उदयपुर की वीणा सागर और भीलवाड़ा के योगेंद्र शर्मा अपनी कविताओं के जरिए खूब दाद हासिल की। आशीष अनल ने कविता अगर चाहने से भारत विश्व गुरु बन जाए, कानपुर से आए डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने जिंदगी का बही खाता प्रेम से भरो साहिब अपने आप से ही सही कुछ तो डरो साहिब, राज बिहारी गौड़ ने युद्ध बहुत देखे हैं, वीणा शर्मा सागर ने श्रोताओं की चाहत पर मेरे भाई और बेटों ने तो भारती की सब सीमाएं उबलते रक्त से ही धोई है, भीलवाड़ा से आए योगेंद्र शर्मा ने रण का लक्ष्य विजय होता है लाशों का व्यापार नहीं जैसी सरी की कविताओं से श्रोताओं को वीरों की भूमि के तपोबल का एहसास कराया। पिछले 3-4 वर्षों में बहुत सार्थक उपस्थिति कवि सम्मेलन में जिन्होंने दर्ज की और ये बात महत्वपूर्ण है कि महिला स्वर होकर नारी चेतना को उन्होंने गाया, देश को गाया, जागरण को गाया। वीणा सागर जिनका नाम होता है, वीणा के अनुरूप जिनको वीणा का आशीर्वाद प्राप्त है और सागर की तरह जिनके भीतर बहुत सारा सीप और मोती भरे हुए हैं। जो लोग चले गए हम उनके आभारी हैं और आपके बारे में चिंतित है कि आपको कोई काम आ नहीं, कितने लोगों को नहीं हटा पाए। चले गए उनके आभारी हैं, जो बचे हैं भारी हैं। मैं तो आज सुरेश भाई साहब से एक ही बात कही, मैंने कहा अकेला आदमी है पूरे विश्व में जो ना तो किसी की इज्जत देख सकता है और किसी की इज्जत नहीं देख सकता तो अपनी भी करवा नहीं। मैं घर रो इतिहास लिखो तलवारा सूं, जौहर री धधकाए और अंगारा सूं। मर घर रो इतिहास लिखो तलवारा सूं, जौहर री धधकाए और अंगारा सूं। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।